हम सब लोग ही नहीं पूरा विश्व एक कठिन दौर से गुजर रहा है और उम्मीद है हम कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे मैं कुछ सवाल हैं जो जिसके जवाब मैं देना चाहती हूँ। देश हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर कुछ सुझाव दिए हैं। ये सुझाव मांगे गए थे। अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री लगभग 195 देश हैं विश्व में, 195 देश, उसमें बहरीन, ओमान, छोटे छोटे देश भी हैं जिनकी आबादी जो है ज्यादा नहीं है, 10-12 लाख, 4-5 लाख तक की भी आबादी के देश है जिनसे प्रधानमंत्री जी फोन पर बात कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं उनसे मदद क्या लेंगे नहीं मालूम, पर उनको मदद देने की बात हो रही है। अच्छी बात है कि हम लोगों को इस समय सबको मिलकर लड़ना है। और प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस और सोनिया गांधी जी से जो देश के राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे थे, सोनिया गांधी जी के सुझाव, 5 सुझाव आज सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर दिए हैं। मैं वो 5 सुझाव आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है ये बहुत बेहतरीन सुझाव है जिसे देश की सरकार को तुरंत मानते हुए लागू करना चाहिए, ये सुझाव इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि 2 इवेंट हुए। एक 5 मिनट का इवेंट था थाली पीटने का, दूसरा इवेंट 9 मिनट का था दिए जलाने का। बहुत बेहतरीन तरीके से 2 इवेंट देश में हुए। देश ने एकजुटता दिखाई और सब लोग एक दिखे, जिस पे हमें गर्व भी है। देश एक है तभी तो वो घरों में है, तभी तो वो सरकार के नियमों का पालन कर रहा है। कई इक्का दुक्का कुछ घटनाएं अगर आप छोड़ दें तो देश एक दिख रहा है इस कोरोना से लड़ने के लिए। कांग्रेस की अध्यक्षा ने कहा है, क्योंकि कहना पड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि युद्ध की स्थिति जैसी नौबत बनी हुई है और यहां तक हो सकता है कि आपको अपने जेवरात, अपने धन, अपना जो आपने पूंजी इकट्ठी की है वो भी आपको देश के लिए दान देनी पड़े। जब उन्होंने ये कहा तो बिल्कुल 1971 का इंदिरा गांधी जी का हिंदुस्तान पाकिस्तान का वह युद्ध याद आ गया कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा था, बांग्लादेश एक अलग देश बनने जा रहा था और 90,000 पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए थे। उस समय वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मैं प्रेसिडेंट कहूंगी अमेरिका के, निक्सन ने इंदिरा गांधी जी को धमकाने की कोशिश की थी और बंगाल की खाड़ी में अपनी जो है जहाज भी, लड़ाकू जहाज भी उतारने शुरू कर दिए थे। वो वही दौर था कि जब इंदिरा जी ने अपील नहीं की थी कि आप आगे आकर दान दीजिए अपना सब कुछ, अपने जेवरात, अपनी पूंजी। इंदिरा जी ने खुद स्वयं पहल की थी। इंदिरा जी आगे आई और अपने, उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने अपने जो जेवर थे वो देश के लिए दान किए, खुद उदाहरण बनी थी। और आज देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं जबकि नौबत आ सकती है तो लगता है डर कि शायद सरकारी खजाने खाली हो रहे हैं। उन खजानों को भरने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री जी को 5 सुझाव दिए। पहला सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। सोनिया गांधी जी का सुझाव है कि जितने भी सरकारी विज्ञापन है जो टीवी और अखबारों में बड़े बड़े होर्डिंग्स में लगते हैं, उन सरकारी विज्ञापनों पर अगर 2 साल के लिए, मात्र 2 साल के लिए रोक लगा दी जाए तो केंद्र सरकार को, भारत की सरकार को हर साल 1200 करोड़ के करीब, 1200 करोड़ और 2 साल में लगभग 2400 करोड़ रुपए की बचत होती है। बहुत बड़ी बचत है। अगर 2500 करोड़ रुपया मात्र सरकारी विज्ञापनों में जो खर्च होता है उसे हम बचा सकते हैं। एक अच्छा सुझाव है। दूसरा सुझाव दिया गया है कि एक सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, लोग नहीं जानते सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट क्या, तो मैं बता देना चाहती हूं, एक नया संसद भवन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया रखा हुआ है। श्रीमती सोनिया गांधी जी का सुझाव है कि नए संसद भवन की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई अस्पताल बन रहा होता तो जरूर बनना चाहिए था, लेकिन ये एक नया संसद भवन बनाने के लिए, एक नया पार्लियामेंट बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपया जो रखा गया है उस प्रोजेक्ट को रोकते हुए ये भी धन जो है इस समय कोरोना वायरस से जो हम लड़ रहे हैं उस पे खर्च होना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव दिया है। तीसरा सुझाव दिया है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कि विदेशी दौरों पर लगभग हर साल 400 करोड़ के करीब नेताओं का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का, केंद्रीय मंत्रियों का विदेशी दौरों पर खर्च होता है। लेकिन कोरोना वायरस के दौरान आप देख रहे होंगे कि हम विदेशी दौरे खत्म हो चुके हैं। अब कॉन्फ्रेंस से बात हो रही है क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, समय और धन की बचत की जा रही है और एक दूसरे राष्ट्र के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है।
और अगर यही शुरुआत आगे 2 साल तक अगर हम जारी रखते हैं, विदेशी दौरों पर अगर हम पूरी तरह 2 साल के लिए, मात्र 2 साल के लिए, जब तक ये कोरोना वायरस से हम लड़ रहे हैं, अगर रोक लगा दी जाए तो सालाना 400 करोड़ और 2 साल में 800 करोड़ रुपए की तीसरी यहां पर मोटी बचत बचाई जाती है। तीसरा, सरकारी खर्च, जो भी सरकार खर्च करती है, नजायज खर्चों की मैं बात कर रही हूं, इन अगर सरकारी खर्चों के उप को 30%, पूरा नहीं कह रहे, सुझाव है कि मात्र 30% सरकारी अमली जामा जो होता है, आप देखते हैं कि एक फ्लीट में गाड़ियां चलती हैं, नेताओं की सुरक्षा पे करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, इस तरह बहुत सा सरकारी धन खर्च होता है, अगर इसमें मात्र 30% की कमी, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, किसी को परेशानी बड़े नेता को ना हो, उसकी 30% अगर सरकारी हम लोग पैसा सरकारी खर्च कम कर देते हैं तो 2.5 लाख करोड़, कम से कम 2.5 लाख करोड़ का आपको बचत होता है सिर्फ 30% कम करने से। अच्छा सुझाव है, बहुत काफी बचत हो रही है अगर आप सरकारी थोड़ा सा खर्चा 2 साल के लिए कम कर दीजिए। आपने बहुत ऐश की है नेताओं ने, करते रहिएगा, लेकिन 2 साल के लिए अगर आपका इतना धन बचता है सरकारी खर्च तो आपको करना चाहिए। पांचवा सुझाव श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिया है कि पीएम ने एक नया पीएम केयर फंड लॉन्च किया है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और इससे पहले क्या कोई फंड था? बिल्कुल जी हाँ था, उसका नाम था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, PMNRF, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष फंड पहले से ही एक बना हुआ था। और इसमें कितना पड़ा हुआ है? इसमें 3,800 करोड़ रुपया अभी भी 2019 के अंत तक था और है, कहीं खर्च नहीं हुआ है, और फंड इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन एक नया फंड बनाकर उसमें डाला जा रहा है। इस 3,800 करोड़ का खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है, ये हमारी समझ से परे। जब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को आप अपने जेवरात तक युद्ध की स्थिति बताकर डोनेट करने को कह रहे हैं, देश बहुत बड़ा है और उसका दिल भी बहुत बड़ा है, अलग बात है, बुरा नहीं मानिएगा, जब एक प्रतिमा बनाने के लिए लोहा मांगा था, लोगों ने उस समय लोहा नहीं दिया था, और चाइना से गुजरात की वो प्रतिमा, सरदार, आदरणीय सरदार पटेल जी की वो प्रतिमा, जब लोहा नहीं मिला लोगों से मांगने के बावजूद भी, तो चाइना ने वही प्रतिमा गुजरात में 3,000 करोड़ से बनाई। अगर उससे सरदार पटेल के नाम का आज अस्पताल बना होता, जहां पर हम कोरोना वायरस का जो आज चुनौती है उससे जूझने के लिए वह अस्पताल अगर तैयार होते, तो शायद रेल के डिब्बों को खाली कराकर यूं तैयार न करने की नौबत आती। गलतियां हमसे हुई हैं, लेकिन उन गलतियों से हमें सबक लेना है कि अगर 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ की मूर्तियां ना बना के अस्पताल खड़े किए गए होते तो आज शायद ये नौबत ना आती। चलिए छोड़िए उस बात को, मैं वापस उसी पर आती हूं कि लोहा प्रधानमंत्री जी ने मांगा था, आपने नहीं दिया, चाइना से 3,000 करोड़ की मूर्ति हमने बनवा ली, लेकिन अब अगर सोना मांगने पर आएंगे तो मुझे मालूम है आपने 5 मिनट के लिए तालियां घंटियां बजाई, आपने 9 मिनट के लिए दिए भी जलाए, और अगर नौबत आई कि आपको अपने जमा पूंजी, अपना सोना भी देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पर दान करना पड़ा, तो मुझे यकीन है आप जरूर आकर ये काम करेंगे। लेकिन उससे पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी के जो 5 सुझाव आए हैं, जिससे लगभग जो है 2,75,000 करोड़ रुपया बचत होती है, 2,75,000 करोड़ रुपया अगर सोनिया गांधी जी के कि सरकारी विज्ञापनों को जो है वो रोक दिया जाए, PSUs के जो विज्ञापन है, अपना नया संसद भवन का 20,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसकी जरूरत नहीं है, विदेशी दौरों की अब जरूरत नहीं है, सरकारी खर्च 30% अगर कम कर दिया जाए, और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जो 3,800 करोड़ पड़ा हुआ है उसे खर्च किया जाए और पारदर्शिता के साथ खर्च किया जाए, क्योंकि जब से पीएम केयर फंड बना है बहुत से लोगों ने हजारों करोड़ रुपया दान दिया, पर कितना दान आया, कितना खर्च हुआ, ये अभी तक पारदर्शिता इसमें नहीं है। अगर ये आएगी तो यकीनन लोग और आगे आकर एक विश्वास के साथ कि उनका धन सही दिशा में, सही समय पर, सही लोगों पर खर्च हो रहा है, वो और इस फंड को देने के लिए आगे आएंगे, ये हमारा पूरी तरह से यकीन है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूं, खासतौर से कांग्रेस के उन समर्पित कार्यकर्ताओं से, बिल्कुल डरिए मत, लड़िए, कोरोना से भी लड़िए और अंध भक्तों से भी लड़िए, और कोरोना को हराकर देश को जिताना है।
चाइना ने, मालूम नहीं धन्यवाद करें या ना करें, चाइना के राजदूत ने ट्वीट किया है कि लाखों करोड़ों का जो सामान है वो चाइना से हिंदुस्तान में उन्होंने भेजा है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, चाइना को गालियां भी देंगे लेकिन हम उनसे ये राहत सामग्री भी लेंगे। और हाँ, आज एक और, इंदिरा गांधी जी को तो याद किया ही जा रहा था, उसके पीछे एक और कारण था जो इंदिरा जी को सबसे ज्यादा याद इसलिए भी किया जा रहा था क्योंकि आज एक बात का खुलासा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया पर आज सुबह सुबह अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब एक प्रेस वार्ता में एक पत्रकार के प्रश्न का जवाब देते हुए ये कहा कि उनकी देश के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात हुई है, अगर उन्होंने ये उन्होंने धमकी वाले लिहाज में कहा क्योंकि लास्ट का वर्ड जो है वो मायने रखता है कि आप निवेदन कर रहे हैं, आप मदद मांग रहे हैं या आप धमका रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से लगा कि वो निवेदन नहीं कर रहे, वो मदद नहीं मांग रहे, वो धमका रहे हैं। उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 तारीख को, अप्रैल को, कुछ दवाइयों पर के निर्यात पर देश से बाहर, भारत से बाहर भेजने पर जो है वो रोक लगा दी है और इसका जो है विरोध, इसका लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तुरंत फोन लगाकर संडे को बता दिया है कि ये प्रतिबंध वो तुरंत हटाएं और जो दवाएं जिस पे आपने प्रतिबंध लगाया उसे अमेरिका में तुरंत निर्यात करें, धमकी भरे लिहाज में कहा है। वहीं पर दूसरी तरफ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी वापस पलट कर जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा कि आप हमें मास्क सप्लाई कर रहे थे जो सख्त जरूरत कनाडा में है उसे आपने रोक दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था अमेरिका फर्स्ट, उन्होंने पूरी तरह से अमेरिका ने मास्क की डिलीवरी कनाडा में रोक दी, ये कहते हुए अमेरिका फर्स्ट। अब देखने की बात थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी का जवाब कैसे देते हैं, क्या 4 अप्रैल को जिन दवाइयों पर, जरूरत की दवाइयां, हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ की आबादी में महामारी फैलने का, कोरोना वायरस का फैलने का डर है और हमें भी अपने आप की तैयारियां करनी है, हमें भी अपने भारत को इंडिया फर्स्ट रखना है, तो देखना था कि प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से का क्या जवाब देते हैं, क्या वो इंदिरा गांधी जी की तरह जैसे उन्होंने प्रेसिडेंट निक्सन को जवाब दिया था 1971 में कि डरने वाली नहीं, 90,000 की पाकिस्तान की सेना को घुटने अपने टिकवा दिए और बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जब समय आया प्रधानमंत्री थे तो न्यूक्लियर डील कहा था, आप न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करेंगे नहीं तो आपकी न्यूक्लियर डील रद्द कर दी जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 56 इंच सीना होने का दावा कोई और करता है पर वो दिखाने का काम इंदिरा गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या, उन्होंने कहा अमेरिका को हम आपकी परवाह नहीं करते और हमने न्यूक्लियर डील की परवाह किए बिना, जो न्यूक्लियर हमारी हथियार, हमारी जो भी न्यूक्लियर की हमारी तैयारियां थी उसे हमने आगे बढ़ाया। लेकिन आज जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी भरे लिहाजे में प्रधानमंत्री को कहा इसे हटाइए प्रतिबंध को और हमारी दवाइयों की सप्लाई करिए, आज उम्मीद तो ये थी कि 56 इंच का सीना आंख में आंख डालकर, आंखें लाल करके राष्ट्रपति जो है अमेरिका के उन्हें ये कहता कि तमीज में बात कीजिए, आप भारत से बात कर रहे हैं, आपको मदद मांगनी है तो हाथ जोड़कर निवेदन करिए, धमकी भरे लिहाज में करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के सामने झुकाते हुए इन जरूरी दवाइयों से अमेरिका के लिए प्रतिबंध हटा दिया है और उन जरूरत की दवाइयों की जिसे हिंदुस्तान को जरूरत है उसे वहां से अप्लाई करने की हामी भर दी है, मात्र एक फोन से डर गए। सोचा तो ये था इनके लिए भारत सबसे पहले, इंडिया फर्स्ट होना चाहिए था पर नरेंद्र मोदी जी के लिए अमेरिका फर्स्ट निकला, इसलिए आज इंदिरा जी को याद किया जा रहा है, इंदिरा जी के शौर्य वीरता को याद किया जा रहा है। और इसी की याद जब मेरी जैसी महिलाएं दिलाती हैं तो भक्तों को बहुत मिर्ची लगती है। डरने वालों में से नहीं है, ये आपदा देश पे आई है, ये आपदा हमारे और आपके ऊपर आई है। आज कांग्रेस ने यहां तक, जब सांसदों की 30% वेतन कम करने की बात आई तो श्रीमती सोनिया गांधी जो राहुल गांधी जी ने सबसे आगे बढ़कर इसका समर्थन किया कि बिल्कुल एक सांसद के तौर पर हमें जो वेतन मिलता है हम देश के लिए उस 30% जो अपने वेतन में से कटाने को तैयार हैं। लेकिन आप सभी से कहूंगी
जब बिना तैयारियों के, जब बिना तैयारियों के इस तरीके से लॉकडाउन की आवश्यकता बिल्कुल थी, एक बहुत सराहनीय और अच्छा कदम है, ये होना चाहिए था। लेकिन इससे पहले सिंगापुर के प्रधानमंत्री की तरह 2-3 दिन पहले घोषणा कर लॉकडाउन करने की 3-4 दिन पहले अगर घोषणा कर दी गई होती, उसकी तैयारियां लोग भी करते, सरकारें भी करती, सब करते तो बेहतर रहता। लेकिन नहीं, सिर्फ 4 घंटे के समय दिया लॉकडाउन के लिए। लेकिन आज खुशी है कि पूरा देश, 130 करोड़ का देश, इस कठिन भरी स्थिति में एक है, एक है। ये जो सन्नाटा आप देख रहे हैं ना, ये एकता को दिखाता है। ये शांति जो आप देख रहे हैं ना, वो हिंदुस्तान की एकता को दिखाता है। इस एकता की परीक्षा लेने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं होती कि 5 मिनट के लिए घंटी थाली पीटे, घंटी पीटे या दिया जलाए, ये करने की जरूरत नहीं होती है। ये देश एक है, एक था, एक रहेगा। हाँ, कुछ लोगों की वजह से इस देश का मस्तक, जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मस्तक को झुकाते हुए, प्रतिबंध हटाते हुए दवाइयों का निर्यात शुरू कर दिया है अमेरिका के लिए। आगे कठिन समय है, उम्मीद करती हूं आप सभी से जुड़ी रहूंगी, पर निवेदन करती हूं घरों में रहिएगा, जितना हो सके घरों में रहिए, शांत रहिएगा, एक रहिएगा। इसलिए सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है ना, हिंदू मुस्लिम, इसकी सब्जी नहीं खाएंगे, उसको ये काम नहीं करने देंगे, उसको इलाकों में नहीं घुसने देंगे। अरे लानत है उन लोगों के ऊपर जो लोगों से उनका धर्म पूछकर उनसे सब्जी खरीदने और अपने इलाकों में आने और जाने से रोक रहे हैं। लानत है तुम पर, लानत है। तुमसे ज्यादा इस देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो इस कठिन दौर में भी जब सबको एक रहते हुए इस देश का सुहृदय बनाते हुए एक रहते हुए इस जंग से लड़ना है, वो आज भी हिंदू और मुस्लिम का जो है वो कार्ड खेल रहे हैं। मैं आपसे दोबारा निवेदन करती हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि श्रीमती सोनिया गांधी जी के जो 5 आज के सुझाव देश के प्रधानमंत्री जी को लिखित में दिए गए हैं, उन सुझावों पर अगर काम किया जाएगा तो यकीन है, क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया है, देश चलाया है, उनके पास एक अनुभव है। और आज अगर देश सरकारें विपदा में हैं, आर्थिक संकट की तरफ जा रही हैं, तो कांग्रेस के इस अनुभव और इन सुझावों को जरूर उम्मीद है देश की सरकार मानेगी, ना कि उसको राजनीतिक नजरिए से देखते हुए उस पर भी छींटाकशी करेंगे। आपने सुझाव मांगे, हमने आपको सुझाव अपने अनुभवों के साथ कांग्रेस ने दिए हैं। अंतिम निवेदन करूंगी, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इस उम्मीद के साथ, और आपसे जुड़ी रहूंगी। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, शांत रहिए, एक रहिए, कोरोना वायरस से लड़ते रहिए। कोरोना हारेगा और देश जीतेगा, ये मुझे उम्मीद है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।